नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी कुमारी स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा चैनल लोकबात, जनता की बात जनता के साथ। कोरोना वायरस ने जिस तरीके से हमारे पूरे देश में उथल पुथल मचा रखी है, लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि लॉकडाउन लगा हुआ है, मगर कहीं ना कहीं लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कुछ लोग गाँव की ओर पलायन कर रहे हैं और इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो इसको जिस तरीके से सरकार मेंटेन कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही है, और अभी 26 तारीख को ही 26 मार्च को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत ही अहम फैसला लिया ताकि जो गरीब और किसान लोग हैं उन लोगों को राहत मिल सके, राहत पैकेज का ऐलान करके। उसी तरीके से RBI ने भी 27 मार्च को बहुत ही अहम फैसला लिया ताकि हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको उसमें सुधार आ सके। तो मैं बताती हूँ आपको क्या फैसला लिया। RBI ने हमारे जो बैंक की बैंक रेपो दर थी उसको 75 बेसिस पॉइंट घटा दिया गया, जिसके कारण जो बैंक रेपो दर थी वो 5.15 से घटकर 4.45 रह गई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बैंक रेपो दर है वो क्या होती है। तो बैंक रेपो दर वो दर होती है जिस दर पर RBI अन्य बैंकों को कर्ज देता है। तो जिस तरीके से बैंक रेपो दर में कटौती हुई है, तो कहीं ना कहीं जो बैंक हैं, अन्य बैंक हैं, उन पर वित्तीय दबाव कम है। इसके साथ साथ जो RBI है उन्होंने एक अहम फैसला और लिया है। जिस तरीके से लोग EMI भर रहे हैं, उन लोगों को 3 महीने की राहत का ऐलान किया है ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसके चलते अब देखना यह है कि बैंक इस फैसले पर किस हद तक कायम रहते हैं और लोगों को किस हद तक राहत मिल सकती है। जो लोग EMI भर रहे हैं होम की या कार की, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के करोड़ों लोग हैं जो कि एक उम्मीद में हैं कि उन लोगों को राहत मिलेगी। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक अहम फैसला और लिया है, जिस दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण करके बहुत ही अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा फैसला है। इसी बहाने हम लोग थोड़ा सा भगवान को याद करेंगे इस कठिन परिस्थिति में, और उसके साथ साथ टाइम का भी मेंटेनेंस हो जाएगा। मैं पहले की अगर बताऊं तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोगों के घर में TV नहीं हुआ करती थी, मगर रामायण का लोगों पर इतना असर था कि लोगों की आंखें सड़कें जो है ना खाली हो जाया करती थी। लोग इतने चाव से इसको देखते थे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आज के टाइम पे भी जो लोग इसको पसंद करते हैं वो लोग अपने घर में ही रुकेंगे और टाइम टू टाइम अपने घर में ही रुकेंगे। इसका जो प्रसारण है आज शनिवार को ही सुबह 9 बजे प्रसारित कर दिया गया है। और जो इसके साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़े, उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं DD नेशनल पे रामायण का प्रसारण करने जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग में ये बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से नहीं तो थोड़ा सा अलग तरीके से लोगों को घरों में इकट्ठा किया जाए, आइसोलेट किया जाए, ताकि हमारा जो देश जिस परिस्थिति से जूझ रहा है उससे राहत मिल सके। और अगर आप लोगों को कोई भी कमी लगे इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करें, हमारे चैनल लोक बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ साथ अगर आपको थोड़ी नई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहिए लोक बात। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेंद्र मिश्र है। मास मीडिया का एक वेब पोर्टल है लोक बात, जनता के साथ जनता की बात।